फिर एक टॉपिक आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम तीन चीजों से रिलेट करते हैं, मास, वॉल्यूम ऑफ गैस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स जो n है वो मेरे पास तीन चीजों से जुड़ा हुआ है, तीन चीजों से जुड़ा हुआ है। किस किस से? मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ गैस एंड नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड क्यों डाला ये समझाता हूं अभी तुमको। तीन चीजें हैं, अब इनको मैं एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकता हूं एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट। अगर मुझे मोल से दूर जाना है, मतलब मोल से मास निकालना है, वॉल्यूम निकालना है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है मोल से, तो मैं क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लीकेशन। और मोल की तरफ आ रहा हूं तो डिवीजन करना है, डिवीजन करना है। जैसे मोल, नंबर ऑफ मोल से मास की तरफ जा रहा हूं तो मल्टीप्लीकेशन करूंगा किसका? मोलार मास। और वापस आऊंगा तो डिवीजन करूंगा किसका? मोलार मास। सिंपल है। और यही चीजें हम सब मैथमेटिकली लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या लिख लेते हो? मास अपॉन मोलार मास। सेम चीज वॉल्यूम के लिए, अगर मैं मोल से दूर जा रहा हूं तो मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा मोल को किससे? मोलार वॉल्यूम। एसटीपी पे मोलार वॉल्यूम हमको याद रखना होता है जी, इट इज 22.4 लीटर। तो यहां पे फॉर्मूला क्या आ जाता है? वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलार वॉल्यूम। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल से अगर मुझे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की तरफ जाना है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसका? एवोगाड्रोस नंबर। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। सो टोटल मेरे पास चार क्वांटिटीज हैं। दूर जा रहे हो तो मल्टीप्लीकेशन, किससे दूर? नंबर ऑफ मोल्स है। और नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना है तो जो भी दिया है उसको डिवाइड करना है किसी से। सिंपल बेसिक अपने पास एक कॉन्सेप्ट रखना है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का कंफ्यूजन आएगा ही नहीं कभी। मोल, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं मतलब डिवाइड करके आने वाला है अगर ये तीन चीजें हैं तो। और नंबर ऑफ मोल्स से ये तीन चीजें ढूंढनी है तो मल्टीप्लीकेशन करना है। सिंपल हो गया हमारा काम। अब नंबर ऑफ मोल्स भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहां से आपके पास कई सारे टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ, मास बताओ, वॉल्यूम बताओ, या मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दूं फिर मास पूछूंगा, है ना? अब जरूरी है मैं एक ही स्टेप का क्वेश्चन पूछूं। लेट्स से मैंने आपको नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स दे दिए और पूछ रहा हूं क्या? मास। तो आपको दो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे ना। या मैंने वॉल्यूम दे दिया फिर आपसे, या वॉल्यूम दे दिया मास पूछ सकता हूं। ये सब जो करते हो इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? सिंपल मोल कैलकुलेशन, सिंपल मोल वाला। अब इसी में हम लोग इतने गड़बड़ कर देते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन ड्रॉप ऑफ वाटर, वन ड्रॉप ऑफ वाटर,
फॉर्म्ड बाय वन ml ऑफ सैंपल। मैं फालतू का क्वेश्चन लंबा कर रहा हूं, तुम भी ऐसे ही परेशान होते जब बढ़ता है क्वेश्चन, तो जबकि पूछ कह रहा है सिंपल 1 ml वाटर के अंदर बता दो कितने प्रोटॉन्स हैं। कैसे सॉल्व करोगे आप, क्या निकालेंगे पहले, कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स? बस हो गया कचरा तुम्हारा, क्योंकि वाटर लिक्विड है तो आप मोलार वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी चीज, ये कोई बताएगा नहीं आपको, तो इसलिए पहले मुझे वाटर का मास ढूंढना पड़ेगा, विच इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम मैंने अगर 1 ml बोल दिया है और डेंसिटी मैंने 1 g, ये बाय डिफॉल्ट याद कर लेनी होती है, इसके लिए थोड़ी तुमको कोई ट्रेनिंग देने आने वाला है। सो इट विल बी 1 g only। अगर मेरे पास वेट है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, कैसे, वेट ऑफ वाटर अपॉन इसका मोलार मास, कितना आ गया 1/18 mole। और अब चाहिए तुमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी वाटर के अंदर प्रोटॉन डायरेक्टली तो मिलते नहीं है, इसी के लिए मैंने लिखा है यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स नहीं है, क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है। वाटर में मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स मिलेंगे, एटम्स के अंदर, तो वाटर का मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलूंगा तो एटम नहीं बोलना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल। सो यू विल गेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फर्स्ट, समझ गए? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होने वाला है बेटा, 1/18 टाइम्स एवोगाड्रोस नंबर। ये अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। नाउ ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज कितना प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, है ना, ये भी ऐड कर देता हूं, किसका ये भी बता देता हूं। तो मुझे नहीं पता कि वाटर में 3 atoms हैं, 2 atoms ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 atom ऑफ ऑक्सीजन, तो टोटल कितने प्रोटॉन्स है बेटा? और अगर मुझे पूरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से। अगर अमोनिया होता इन प्लेस ऑफ वाटर तो आप पहले उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते इनटू क्या करते, 10, क्योंकि अमोनिया के भी एक मॉलिक्यूल में, मैं बोलता मीथेन तो भी 10 से मल्टीप्लाई करता, बट मैं बोल देता CO2 तो CO2 के मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 22। मैं पूछ देता कार्बन मोनोऑक्साइड का बता दो, 14। बस इस तरीके से आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिल जाते हैं। अब मोल का किसी और में कन्वर्जन, सिंपल चीजें हैं वो आप लोग शीट में क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करके ढूंढ लो। फिर क्या आता है हमारे पास, 3 concepts, स्टोइशोमेट्री, इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, लिमिटिंग रिएजेंट। अब इनका डेफिनेशन वगैरह सब तुमको आता है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट थोड़ा सा टच कर लेते हैं बस। तो स्टोइशोमेट्री क्या है, कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन बैलेंस्ड इक्वेशन, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन हमको क्या देता है, रिलेशन देता है एक सब्सटेंस की क्वांटिटी का दूसरे सब्सटेंस की क्वांटिटी से, एक सब्सटेंस की क्वांटिटी का दूसरे सब्सटेंस की क्वांटिटी का। तो अगर मैं लिख रहा हूं किसी रिएक्शन में A+B गिव्स प्रोडक्ट, और इनके कोएफिशिएंट्स कुछ ना कुछ तो होंगे ही, मान लो इसका A है स्मॉल, इसका है स्मॉल B, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दैट A मोल्स ऑफ सब्सटेंस ए रिएक्ट विद
बी मोल्स ऑफ सब्सटेंस, बी ऐसे ही कोई प्रोडक्ट रहेगा तो उनके भी कोई ना कोई कोएफिशिएंट्स रहेंगे और उसके लिए भी हम रिलेशन निकाल पाएंगे। सो मेरा पहला काम क्या होता है स्टोइकोमेट्री यूज करने के लिए, वो है मेरे पास क्या हो, एक बैलेंस्ड इक्वेशन। दूसरी चीज मेरे पास हर एक सब्सटेंस का क्या हो जाए, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन में जो नंबर लिखे होते हैं वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, तो मेरे पास स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो हर एक सब्सटेंस का। और फिर मुझे इनके मोल टू एससी रेशो को इक्वेट कर देना है, मोल टू एससी रेशो को, जैसे मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच इज ए इज इक्वल टू। अब अगर मुझे कोई ए के बारे में बताएगा और बी के बारे में पूछेगा आई विल यूज दिस, बी के बारे में पूछे बताएगा और ए के बारे में पूछेगा आई विल यूज दिस ओनली, बन गया मेरा स्टोइकोमेट्री। अब जितना भी है तुम जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हो वो इसी तरीके से होंगे, आपको पहचानना पड़ेगा कौन से दो सब्सटेंसेस को रिलेट करवा रहा है। कोई दो सब्सटेंस को रिलेट करवाता है, अभी वो रिएक्टेंट रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, ये आपको समझना होगा, ये आपको समझना होगा, ठीक है। ये स्टोइकोमेट्री हो जाती है। अभी स्टोइकोमेट्री के बाद दूसरा पार्ट क्या आता है हमारा, लिमिटिंग रिएक्शन। अगर हम इस पार्ट के मास्टर हो चुके हैं अभी तक तो फिर हम लिमिटिंग रिएजेंट के पास जाते हैं। अब हम कभी भी जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो हम बिना एलआर के सोचे क्वेश्चन नहीं सोचेंगे कभी भी, सिर्फ स्टोइकोमेट्री। और एलआर का कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होता है, कब अप्लाई होता है एलआर का कॉन्सेप्ट, ये पहचानना बहुत जरूरी है। सो व्हेन टू अप्लाई एलआर होता क्या है, थोड़ा सा बताओ मेरे को। लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट जो तो लिमिटिंग रिएजेंट होता है द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस देन रिक्वायर्ड अमाउंट, लेस देन रिक्वायर्ड लिमिटिंग फैक्टर, वो बन जाता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। अगर मुझे किसी चीज के 100 ग्राम की जरूरत है बट है मेरे पास 99 ग्राम, बन गया वो लिमिटिंग रिएजेंट। मुझे 500 ग्राम की जरूरत है बट मेरे पास 500 ग्राम से कम है तो वो बन गया लिमिटिंग रिएजेंट। सो द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस देन रिक्वायर्ड अमाउंट वो बन जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। और इसका नाम लिमिटिंग रिएजेंट क्यों पड़ जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन को लिमिट करता है, कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा यही डिसाइड करता है, इसलिए इसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट, एकदम सिंपल। सो व्हेन टू अप्लाई, एट लीस्ट क्या हो, दो रिएक्टेंट्स हो, कम से कम दो तो होने चाहिए। वी हैव डेटा to find their moles। अगर ये दोनों शुभ घड़ियां एक साथ मिल जाए तो समझ जाना लिमिटिंग रिएजेंट अप्लाई करना है। पता चल गया अभी हाउ टू आइडेंटिफाई एन एल आर, कैसे ढूंढते हैं हम कि एलआर कौन है किसी भी गिवन रिएक्शन। तो क्या करना है अपने को, पहले तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिख देनी है, फिर हर एक रिएक्टेंट के लिए उनका नंबर ऑफ मोल्स टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो, ढूंढ के लाओ। क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है और हर एक रिएक्टेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो ढूंढ लाओ। फिर द रिएक्टेंट फॉर विच दिस मोल टू एससी रेशियो
is least will be the LR. LR मिल गया. So, पहले तो आपको यह सोचना है कि भाई LR का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना भी है कि नहीं करना है. तो दो conditions अगर दोनों सेटिस्फाई होंगी तो ही अप्लाई होगा. पता चल गया कि भाई LR का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है तो नेक्स्ट स्टेप होता है LR ढूंढना. LR ढूंढने के लिए क्या करोगे, ये तीन चीजें फॉलो करनी है. क्या, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो, जितने भी रिएक्टेंट्स के लिए पॉसिबल है उनके मोल्स निकाल के उनके मोल टू एससी रेशो ढूंढ लो. और जिसका मोल टू एससी रेशो क्या रहेगा, छोटू छोटू सबसे छोटू, वो बन गया तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट. क्लियर. अब स्टोइशोमेट्री यूज करते हैं. एलआर को छोड़ के जो अदर रिएक्टेंट्स हैं उनके लिए हम क्या बोलते हैं, वो है एक्सेस रिएजेंट, और ये पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं होते. अब हम क्या कर सकते हैं भाई, स्टोइशोमेट्री को यूज करते हैं क्या पता करने के लिए, दो चीजें पता करने के लिए. अमाउंट ऑफ एनी प्रोडक्ट फॉर्म्ड, पहली चीज कि जो कोई भी प्रोडक्ट होगा उसका कितना अमाउंट बनेगा. दूसरी चीज अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट कंज्यूम्ड. स्टोइशोमेट्री दो ही चीजें दे सकती है मुझे अभी, क्या क्या, पहला कितना प्रोडक्ट बना है, दूसरा कितना एक्सेस रिएजेंट कंज्यूम हुआ है. अगर मान लो मैंने आपसे पूछा कितना बचा है, मैं आपसे क्वेश्चन फ्रेम में यह भी पूछ सकता हूं ना, एक्सेस रिएजेंट कौन है और उसका कितना अमाउंट बचा है, तो सिंपल है. अगर कोई आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, तो क्या कर दोगे, इनिशियल अमाउंट जो भी दिया था, मान लो 5 moles दिया था और हमने LR को यूज करके ये बता दिया कि एक्चुअली कितना कंज्यूम हुआ है, तो बचा हुआ तो मिल ही जाएगा अभी, तो क्या लिखूंगा, तो इनिशियल अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट माइनस कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा स्टोइशोमेट्री में. अब थोड़ा बहुत घुमाता है रिएक्शन के बेसिस पे, जैसे मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंबस्शन की इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है. क्या था गुरु, हेल्प करो मेरी जरा, बस बस कोई नहीं बोलेगा, ओनली गुरु विल हेल्प. इमोशनल है थोड़ा सा, बता दे चल, हाउ टू बैलेंस दिस इक्वेशन, क्या प्रोडक्ट्स हैं इसमें, बोलो मत, तुमको ड्रिल पता है, जिससे पूछूं उसके अलावा जो भी बोले वो सब क्या बोलना नहीं है, सबको पता है. गुरु गुरु प्रोडक्ट बोल, वेरी गुड, बैलेंस और कर दे. सो कार्बन एटम्स का नंबर यहां कितना देख रहा है, एक्स, एक्स सीओ टू. हाइड्रोजन एटम्स का नंबर यहां कितना दिख रहा है, तो जितना हाइड्रोजन तुमको हाइड्रोकार्बन में दिख रहा है उसका आधा वाटर मॉलिक्यूल लेना है. फिर आप कर लेते हो दोनों कंपाउंड्स में ऑक्सीजन के टोटल एटम्स कितने, तो अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो ये 2x एटम यहां दिख रहे हैं, इतने ऑक्सीजन एटम्स दिख रहे हैं मुझे राइट हैंड साइड. तो यहां पे मुझे ऑक्सीजन एटम तो लिखना नहीं है, नहीं तो मैं ये सीधा नंबर डायरेक्टली लिख देता, बट मुझे O2 मॉलिक्यूल लिखना, इसलिए जितने एटम्स हैं उसका आधा ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पे आएगा. तो अगर ऐसा करते हो तो आपके पास आ जाएगा x + y / 4 O2.
Now you can use this funda to balance any combustion reaction of any hydrocarbon. चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो, एरोमेटिक हो, हाइड्रोकार्बन होना चाहिए बस. अभी तुम एल्कोहल को जलाएगा, एसिटिक एसिड को जलाएगा तो उसमें ऑक्सीजन भी रहेगा, है ना. हाइड्रोकार्बन को ही जलाना है, कोई भी हो, एरोमेटिक है, किसी भी तरह का हाइड्रोकार्बन हो. ठीक है गुरु, तो बैलेंस ही नहीं था. अभी आपने मीथेन को जलाया फॉर एग्जाम्पल, कितना कार्बन का एटम्स दिख रहे गुरु, तो क्या लिखूंगा, x की जगह पर 1. हाइड्रोजन का नंबर कितना दिख रहा है, तो y बाई टू की जगह पर क्या लिखूंगा, जितना हाइड्रोजन एटम्स है उसका आधा. अभी काउंट करो टोटल एटम्स कितने ऑक्सीजन के, 2 यहां पे और 2 यहां पे, तो टोटल हो गया कितने, 4. तो 4 का आधा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लेना. अब मान लो कोई आ जाए, सर मुझे C3H8 को बर्न करना है, तो अब ये तुम्हारा काम फास्ट नहीं हो जाना चाहिए, आपको नहीं लग रहा. कोई बोलेगा सर मुझे C2H4 को जलाना है, जला दो. हो गया. कोई बोलेगा सर मुझे इथेन को जलाना है, हो गया बैलेंस. किसी को मन नहीं लग रहा, नहीं सर मैं फ्रैक्शन में बैलेंसिंग नहीं करूंगा, कोई पाप थोड़ी लग रहा है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. इसीलिए गुरु रिएक्शन बैलेंस होती नहीं है, करनी पड़ती है बेटा. अच्छा तुमको लगता होगा घर पे जाते हो सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है, अच्छा मिलता है, तो मिलता नहीं है, कोई कर रहा है ना. तुम घर पे गए देखा, अरे यार मटर पनीर पड़ी हुई है ना, वाह अरे वाह, अपने आप बन जाती है क्या. ठीक है, तो बनता कुछ नहीं है. अभी जैसे मैं पूछूंगा कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके KCl3 को हीट करता हूं, तो बैलेंस करते रहना. इक्वेशन पता होनी चाहिए अपनी, जो कॉमन रिएक्शंस बार बार हमारे सामने आएंगे, है ना. अब ये रिएक्शन N2+H2 गिव्स, तो आप घूम फिर के अगर देखोगे सारे PYQs उठा के देख लोगे ना, हार्डली 10 रिएक्शंस मिलेंगी आपको, हार्डली 10 रिएक्शंस मिलेंगी जो घूम फिर के रिपीट होती रहती हैं, है ना. तो अपने को इतना स्मार्ट होना पड़ेगा कि मेरा ज्यादा से ज्यादा टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे, ना कि उसके साथ लड़ने में कि बैलेंसिंग कर रहे हैं, बैलेंस है नहीं है, टॉस कर रहे हैं, अक्कड़ बक्कड़ खेल रहे हैं, बैलेंस हो ही नहीं रही. ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई, काम में टाइम लगना चाहिए. काम के बारे में सोचने में ही टाइम लग जाएगा तो काम कब करेंगे. ठीक है, अब मुझे बताओ ये एटॉमिसिटी किस चिड़िया का नाम है. एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन. अभी मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन O2. मैंने ऑक्सीजन लिखा तो डिफॉल्ट आपको क्या लेना है, तो O2 में ऑक्सीजन के. मैं आपसे पूछूंगा एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन, मैं आपसे पूछूंगा एटॉमिसिटी ऑफ CO2, मीथेन, कितना सिंपल है. कितना सिंपल है.
अभी जरूरी नहीं मैं पूरे सब्सटेंस के हिसाब से एटॉमिसिटी पूछूं, मैं पूछ सकता हूं क्या पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी सिक्स, सिक्स ही होती है ना, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी, कार्बन की, सुक्रोज के अंदर ऑक्सीजन की, कार्बन की, हाइड्रोजन की 22, तो एटॉमिसिटी अपने को पता होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन आप अक्सर देखोगे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट वाला, क्या फॉर्मूला था हमने क्या पढ़ा हुआ है पहले से बताओ, अरे एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, सिंपल फॉर्मूला पूछ रहा हूँ परसेंटेज के लिए, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन के नाम से हमने पढ़ा था, तो एटॉमिक मास एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिकुलर मास इनटू 100, तो किसी भी कंपाउंड में गिवन एलिमेंट का मास परसेंट कितना है यह आप बता दोगे, किसी भी कंपाउंड में गिवन एलिमेंट का मास परसेंट कितना है वो आप बता दोगे इस फॉर्मूला से। अभी कई बार आपसे पूछता है व्हाट इज मिनिमम मॉलिकुलर मास, फॉर मिनिमम मॉलिकुलर मास, मिनिमम अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मिनिमम मॉलिकुलर मास ऑफ दिस कंपाउंड परसेंटेज ऑफ सल्फर इज दिस, इस तरह का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, तो अगर मुझे मिनिमम मॉलिकुलर मास चाहिए तो एटॉमिसिटी गिवन नहीं रहेगी, जो भी एलिमेंट का परसेंटेज दिया उसकी एटॉमिसिटी कितनी ले लोगे हुआ है डिफॉल्ट, आपको एटॉमिसिटी भी कैसी लेनी पड़ेगी मिनिमम, टू फाइंड मिनिमम मॉलिकुलर मास टेक मिनिमम एटॉमिसिटी, तो किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का कम से कम एक एटम तो होगा ही होगा, तो छोटी सी चीज है, इसमें आपने कई क्वेश्चंस बनाए होंगे और उसमें जो कंपाउंड देते हैं वो ऐसा देंगे जो तुमको ये लगेगा अरे तो फॉर्मूला ही नहीं पता सर ने पढ़ाया नहीं है, जैसे मैं बोल दूंगा तुम मुझे बता दो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन का परसेंटेज, या मैं बोल दूं हीमोग्लोबिन के अंदर कार्बन का परसेंटेज है फॉर एग्जाम्पल, देखो कार्बन कह रहा हूं आयरन का ही दे देता हूं मास, अरे मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं तुम कर रहे हो तुम्हारा बायोलॉजी क्यों लगा रहे हो भाई, यहां पे चार होते हैं छह होते हैं हजार होते हैं, मेरा मन उतने होते हैं भाई, मैं हूं ना एग्जामिनर, तो मास परसेंटेज ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन एस कितना कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन, बताओ भैया अभी जो बताया था वही करना है, पहले तो फॉर्मूला लिख दो कौन सा एलिमेंट की बात कर रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा एटॉमिक मास ऑफ आयरन इनटू इसका जो भी एटॉमिसिटी लेनी होगी मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इनटू 100। अब मुझे ये क्वेश्चन ने दे दिया लेट्स से, ये मुझे पहले से पता था, अब खुद से सोच के देखो यहां पे दो चीजें मिसिंग नहीं है एटॉमिसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन, तो मुझे उसने एटॉमिसिटी नहीं दी हुई तो मैं डिफॉल्ट एटॉमिसिटी कितनी ले लूंगा, बिकॉज उसने मेरे से क्या पूछा है तो मैं ये मानूंगा कम से कम एक आयरन तो होगा ना भाई, बस लगा दो यहां पे कर दो सॉल्व, ठीक है। अगर वो बोल देगा चार आयरन होते हैं फिर तो क्वेश्चन में कुछ सोचने और करने को बचा ही नहीं, फॉर्मूला में वैल्यूज प्लेस करनी है, हो गया क्लियर। टेबल याद कर लाओगे 30 तक पक्का, देखो मजाक कर रहे हो तुम लोग, हाँ
चलो अब और क्या छोटी बड़ी गलतियां हमसे होती हैं? कुछ कंपाउंड्स हैं जिनका फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, है ना? जैसे अगर मैं लिख रहा हूं लाइमस्टोन, तो मुझे पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। कॉस्टिक सोडा। अभी उसने अगर कंपाउंड का फॉर्मूला ना देके क्या दे दिया? नेम। और जरूरत है फॉर्मूला की और आपको याद ही नहीं है, तो गलत ही होना है, छोड़ के ही आ जाओगे। कार्बोनिक एसिड। अब देखो बोलने वाले अपने आप कम हो गए ऑटोमेटिकली। अब तुमको समझा कि मार्क्स कम क्यों आते हैं? अभी बचपन में तो लगता था अरे यार इतना पढ़ता हूँ मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। अब शायद अंदाजा होगा मार्क्स कम क्यों हो जाते हैं हमारे। छोटी छोटी चीजें जो हम लोग नहीं इकट्ठी करते, जैसे मैं बोलूं कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। अभी जब हम CaC2 को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है? इसमें नहीं बनता प्रोपाइन लाला, है ना? तो अभी CaC2 मैं बोल दूं कैल्शियम कार्बाइड को। अच्छा आपने फलों को पकाने के लिए आर्टिफिशियली क्या मिलाते? यही तो होता है। कार्बाइड के नाम से इसमें बदल देंगे। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बोलो। ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बट एक्चुअली अपने को पता है इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप के एनायंस हैं, है ना? तो ऐसे ही कंपाउंड्स की एक लिस्ट शायद मैंने दी होगी कभी, जैसे ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला। बस ये छोटी छोटी बातें अगर आपने इकट्ठी कर ली तो मिस्टेक्स अपने आप कम हो जाने वाली है। ठीक है, हो गया लेक्चर, हो गया।